hello everyone this is rohit and welcome see you in the session of this video this video is purely related to our planet that is earth so we are going to start let us start the topic do you remember that the earth is a part of the solar system and that It revolves around the sun. क्या आपको याद है या फिर आपको पता है कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है एक पार्ट है एंड दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन और ये कि ये सूरज के चारों तरफ घूमता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लानेट टू तो सपोर्ट लाइफ और अर्थी वो एक प्लानट है अर्थी एक जाना माना ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट होता है लाइफ सपोर्ट होने का मतलब क्या कि वहाँ पर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जीवन यापन करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं नेसेसरीज हैं जो भी वो सारे के सारे मौजूद हैं या नहीं तो लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या क्या मौजूद आवश्यक है पहला हो गया ऑक्सीजन दैट वी गेट फ्रॉम द एयर other thing is water that we get from the ground next thing is food that we get from the soil through plant that's why the that's why we say only the earth is a known planet that is suppose that the earth is the only known planet that support life एंड इट्स मून नेचुरल सेटेलाइट एंड मून इज इट्स नेचुरल सेटेलाइट एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और मून जो है उसका एक नेचुरल सेटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ऑल द प्लान ऑल द प्लान मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड सेलेसियल बॉडीज जितनी भी प्लान हैं मून्स मतलब क्या चंद्रमा और स्टार्स uh, जितने भी तारे हैं मून है जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे सारी जो बॉडीज़ हैं आकाशीय पिंड जो हैं वो मिलकर क्या बनता है वो मिलकर सेलेसियल बॉडीज़ का निर्माण करता है अब सेलेसियल बॉडीज़ क्या कहते हैं ऑल द प्लैनेट्स मून एंड ऑल द स्टार्स वन दे कम्बाइंड वेन दे आर केप टुगेदर इन सोलर सिस्टम दे आर दे आर कॉल्ड सेलेसियल बॉडीज आकाशीय पिंड द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल फैसिनेटिंग सेलेसियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी और इन सभी सेलेसियल बॉडीज़ के साथ साइंस का जो टॉपिक साइंस जिस रूप में इसके साथ डील करता है इसे सॉल्व करता है इसे समझ जा जाता है उससे हम क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी दैट इज द पार्ट ऑफ द साइंस पीपल हुटडी अबाउट हैवनली बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स और वे लोग जो इन पिंडों के बारे में इन बॉडीज़ के बारे में जो भी स्टार्स हो, मून हो, या फिर जितने सारे प्लैनेट्स हो इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं जो लोग उन्हें हम इस्ट्रोनमर्स कहते हैं अब मतलब क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको खगोल विद हु ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट आर कॉल्ड ट्रास्ट्रोनॉट और वे लोग जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट और हम जानते हैं कि कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी मतलब क्या कल्पना चावला जो थी वो भारत की प्रथम महिला एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री थी मतलब भारत में सबसे पहले महिलाओं में भारत में महिलाओं में सबसे पहले कल्पना चावला ने स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट बनी थी जो कहाँ से जिसने अपनी ट्रेनिंग कहाँ में पूरी की थी नासा से कल्पना चावला अपना ट्रेनिंग कहाँ से पूरी की थी नासा से अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सबसे अलग है क्यों सबसे अलग है एक तो की अर्थ सपोर्ट्स लाइफ अर्थ सपोर्ट्स लाइफ वाइल्ड रेस्ट्स आर नॉट टू बी सपोज वी हैव वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वाटर ऑन आवर प्लानट और ये जो हमारा प्लानट अर्थ है इस पर वास्ट मतलब क्या यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मिलता है एंड वी हैव ऑक्सीजन टू ब्रेथ और सांस ले गने के लिए भी ऑक्सीजन मिल जाता है हवा से हवा में तो बहुत सारे गैसेज होते हैं ना एयर में टोटल कितने गैसेज होते है? बहुत सारे इसमें कुछ मेनली हैं जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग मेनली यूज करते हैं दैट इज देर अब वी हैव सॉइल इन विच प्लांट्स ग्रो हमारे पास मिट्टियाँ भी है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ और पृथ्वी के चारों तरफ हवा का वायु का एक आवरण बना हुआ है एक आवरण मतलब क्या कि पृथ्वी को चारों तरफ से घिरा हुआ है हवा जो घेरा हुआ है कॉल द एस्ट्रा एटमॉसफेयर कॉल्ड एटमोसफेयर पृथ्वी के चारों तरफ हवा का जो एक एटमोसफेयर लेयर है ब्लैंकेट है जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढका हो उसको क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एटमोसफेयर दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हार्मुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन जो हमें सूरज के हानिकारक अल्ट्रावाट रेज से बचाता है हमें ही नहीं जितने भी लिविंग थिंग्स है अपने अर्थ पे जैसे कि एनिमल्स प्लांट्स इंसेक्ट्स ये सभी को कौन बजाता है अल्ट्रावाट रेज वीनो दैट द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल कवर्ड बाई वाटर एंड रॉक हम जानते हैं कि अर्थ जो है पृथ्वी जो है एक बड़ी बॉल की तरह है जो पानियों और चट्टानों से ढका हुआ है कवर्ड बाय वाटर एंड रॉक्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज वेरियस फीचर सच हैजशियंस रिवर्स माउंटेन्स एंड वैलीज और पृथ्वी की सतह है उसमें बहुत सारे उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि पहाड़ है माउंटेंस हैं वैलीज़ हैं घाटियाँ हैं नदियाँ हैं समुद्र हैं बड़े बड़े महासागर हैं बट डू यू नो दैट वट द इनसाइड ऑफ द अर्थ लुक्स लाइक लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी अंदर से किस तरह दिखता है डू यू नो अबाउट ओके Now we will study about the internal structure of the Earth. If you don't know, then we will try to know here. According to scientists, वैज्ञानिकों के अनुसार, the Earth is not a uniform solid sphere. Earth जो है, वो uniform solid sphere नहीं है. Uniform मतलब क्या है? कि एक सामान, जैसे कि football, football पूरी तरह गोल होता है, uniform होता है, लेकिन Earth जो है, वो पूरी तरह गोल, round नहीं होता. The Earth is more than फोर मिलियन ईयर्स ओल्ड और पृथ्वी जो है वो लगभग फोर हंड्रेड मिलियन सालों पुराना है फोर हंड्रेड मिलियन सालों पुराना है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स इसमें लेयर्स भी बहुत सारे होते हैं तो जो कि अर्थ है इतने सारे चीज़ें हैं यहाँ पर उसी तरह इसमें लेयर्स भी बहुत सारे हैं दीज लेयर्स आर कॉल्ड द क्रस्ट मेंटल एंड कोर और पृथ्वी के ये सारे जो लेयर्स हैं वो क्या है क्रस्ट मेंटल एंड कोर क्रस्ट मेंटल एंड कोर ये तीनों पृथ्वी के लेयर्स हैं द क्रस्ट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम फाइव किलोमीटर अंडर द ओशियन फ्लोर टू सेवेंटी किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स द क्रस्ट जो इसका एक पहला लेयर है वो फाइव किलोमीटर अंडर द ओशियन मतलब क्या समुद्र के तल से पाँच किलोमीटर तक और कॉन्टिनेंट्स के सत्तर किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट्स के अंदर से सत्तर किलोमीटर तक फैला हुआ है अगला होता है द मैंटल इज अबाउट ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर थिक द मैंटल जो लेयर है वो लगभग उनतीस सौ किलोमीटर तक फैला है मोटा है इट्स अपर पार्ट इज ऑफ़ सॉलिड रॉक वेयर एज द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ मॉल्टन रॉक इसकी जो ऊपरी भाग है वो सॉलिड रॉक से बना होता है इसका जो ऊपरी भाग होता है वो सॉलिड रॉक का बना होता है जबकि निचली भाग जबकि निचली परत मॉल्टेन रॉक्स मतलब क्या है? कि वो चट्टाने जो मॉल्टेन हो पिघली हुई अवस्था में रहता है उसको क्या बोलते हैं मॉल्टेन रॉक्स द रॉक इज इन द मेंटल इज मेनली कंपोज ऑफ आयरन मैग्नीशियम और मेंटल लेयर में जो भी रॉक्स होते हैं वो कॉमनली आयरन और मैग्नीशियम का कंपोजिशन होता है इनमें जो मॉल्टेन रॉक्स होते हैं वो आयरन और मैग्नीशियम का कम्पोज मतलब क्या है आयरन और मैग्नीशियम दोनों के फॉर्म्स बने होते हैं द कोर इज द ओनली लिक्विड लेयर ऑफ द अर्थ इट इज अबाउट ट्वेंटी थ्री किलोमीटर थिक और द कोर जो द आउटर जो कोर है यही द ओनली लिक्विड लेयर ऑफ द अर्थ मतलब क्या पृथ्वी का एक ही हिस्सा है जिसमें लिक्विड लेयर है जो एक लिक्विड लेयर है इज अबाउट ट्वेंटी थ्री किलोमीटर थिक जो लगभग तेईस सौ किलोमीटर मोटा है या तेईस सौ किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक कंस्टेंस आयरन एंड निकल इसमें क्या क्या मिलते हैं हमें आयरन और निकिल कहाँ मिलेंगे हमें आउटर कोर में इन निक इन मॉल्टन स्टेट और ये आयरन जो निकेल में मिलेंगे किस स्टेट में मॉल्टन स्टेट में मीन्स पिघले हुए अवस्था में देर इज ऑल्सो सम सल्फर प्रेजेंट है और यहाँ कुछ सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं वी विल ट्राई टू पुट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो टिल वेन इन्जॉय द सीरीज एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज देन पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर